हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे टॉप 20 कोचिंग क्लासेज में। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव, ये सब होता क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं विद्युत धारा। आज हम देखेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो विद्युत धारा है उसका डेफिनेशन क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो किसी चालक पदार्थ है, जो कोई कंडक्टर मटेरियल है, उसमें किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक वायर है जिसमें दो पॉइंट ए व बी हैं, जिसमें जो आवेश हैं वो ए टर्मिनल से बी की ओर जा रहे हैं। यदि चालक जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें टी सेकेंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसका मान वो क्यू अपान टी हो जाता है। चूँकि आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होता है, इसलिए ये टी सेकेंड में यह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसका मान जो होगा, यहाँ पर हम क्यू की जगह यन्नी क्यू बराबर यन्नी जो कि होता है वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अतः जो हमारा धारा है उसका मान आ जाएगा आई बराबर यन्नी बाई टी, जो कि क्यू बराबर यन्नी होता है। और यहाँ जो ई है इसमारी इस ये तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जिसका मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। फ्रेंड्स, हम यहाँ देखेंगे कि जो विद्युत धारा है उसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या होता है। तो हम यहाँ जो सूत्र है हमारा विद्युत धारा का सूत्र, उसी से हम देखेंगे कि विद्युत धारा है वो आवेश अपान समय होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। कूलाम अपान सेकेंड इक्वल टू एम्पियर। अतः विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड में आता है क्वेश्चन, उसमें एक नंबर में ये छोटे मोटे डेफिनेशन आते रहते हैं, जैसे एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, और इसे हमें जानना भी अति आवश्यक हो गया है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या होता है एक एम्पियर की परिभाषा। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकंड में एक कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, वो गुजरता है, तो उस परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसका मान एक एम्पियर होता है। यही है एक एम्पियर की डेफिनेशन। और अब हम यहाँ पर देखें कि जो विद्युत धारा है उसको हम किस किस यंत्र से माप सकते हैं, उसका मापन यंत्र क्या है। यहाँ हम देखते हैं कि जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, और जो अमीटर है उसको किसी भी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ देखेंगे जो विद्युत धारा है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विद्युत धारा है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, और जो नंबर दो है वो है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि जो डायरेक्ट करंट है वो क्या होता है। दिष्ट धारा का तात्पर्य उस धारा से है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जिसकी डायरेक्शन केवल एक ही होती है। जैसे जो हमारे सेल होते हैं वो डीसी सर्किट के अंतर्गत, डीसी करंट के अंतर्गत आते हैं, और जो डीसी जनरेटर है वो भी है। यहाँ पर हम फिगर से देख सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो केवल एक ही है, देखिए। और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या होती है, ये धारा एक निश्चित परिमाण तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसका जो निश्चित एक परिमाण व दिशा है वो समय के साथ चेंज होता रहता है। इसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ओ पॉइंट से चला, यहाँ पहुँचा, फिर चेंज हुआ डायरेक्शन, यहाँ यहाँ यहाँ, इसका जो मान है वो परिवर्तित होता रहता है। इसका निश्चित परिमाण तथा दिशा है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। जैसा कि भी आपने देखा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उनका जो है डायरेक्शन और जो परिमाण है वो किसी एक निश्चित समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा तथा परिमाण के साथ पुनरावृत्ति होती रहती है। इसे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये भी डेफिनेशन अति इम्पॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे हीटर है, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट देंगे तभी ये चलेगा, और जो पंखा है हमारे घर में लगा रहता है, और जो इन सभी चीज़ों में एसी करंट फ्लो की जाती है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जो विद्युत विभव और विभवांतर है ये भी अति इम्पॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे आते हैं। आइए हम देखते हैं विद्युत विभव और विभवांतर होता क्या है। तो आइए हम सर्वप्रथम डेफिनेशन देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश जो एक आवेश से चार्ज है उसको किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो
वर्क हम लोग करते हैं, किया गया कार्य होता है वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। यही जो है विभवांतर का डिफिनेशन है। जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं कि जो दो पॉइंट हैं ए व बी, यहाँ पर जो ये आवेश है क्यू, इसे हम ये पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हैं, तब दो बिंदुओं ए तथा बी के मध्य जो विभवांतर है वो बी ए विभवांतर एट पॉइंट ए माइनस विभवांतर एट पॉइंट बी इक्वल टू जो आ गया वो किया गया कार्य जो हमने वर्क किया और जो आवेश है उसी से मल्टी हम डिवीजन कर दिए, अतः जो हमारे विभवांतर है वो वर्क अपान आवेश चार्ज, वही हमारा विद्युत विभवांतर आ गया। और जो ये पॉइंट बी थी वो यदि अनंत पर स्थित हो तब क्या होगा, जो ये बी ए है विभवांतर एट पॉइंट ए जो हम लिए थे और माइनस विभवांतर एट पॉइंट जो अनंत है वहाँ पर कर देंगे तो जो हमारा वर्क है वही होगा और आवेश भी वही कुल जो है वही होगा क्यू, क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो हम लोग शून्य मान लेते हैं, इसलिए जो जो विभवांतर है वो वर्क अपान चार्ज के बराबर हो जाएगा। और यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट बी है यहाँ ये इन्फिनेटिव पर स्थित है, अतः यदि हम किसी आवेश को यहाँ से पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य करते हैं उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं, और यदि आवेश की मात्रा जो वो यदि एकांक हो एक हो, जो विद्युत आवेश की मात्रा है वो यदि एक, तो जो ये हमारा विभवांतर का मान होगा वो जो किया गया कार्य है उसी के इक्वल हो जाएगा, अर्थात एकांक धनावेश को जो चार्ज है एकांक चार्ज है उसको हम यदि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। ये है विद्युत विभव का डिफिनेशन, ये भी अधिकतर पूछा जाता है। हम देखेंगे कि जो विभवांतर है उसका मात्रक क्या है, तो विभवांतर का मात्रक हम फार्मूला से निकालेंगे कि वर्क अपान आवेश जो चार्ज है, तो यहाँ पर जूल अपान कूलाम बराबर वोल्ट, जो वोल्ट है वही विभवांतर का भी मात्रक होगा, इसी तरह जो विभव है उसका भी मात्रक सेम सेम होगा। और जो विद्युत विभव उसका मापक यंत्र क्या है, हम इसे किस यंत्र से इसे मापते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विद्युत विभव है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, और जो वोल्ट मीटर है उसको हम विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिससे हमें पूरा पूरा वोल्टेज पता चल सके। और फ्रेंड्स यहाँ पर विभव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप लोग समझ लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, जिसे ऋणात्मक आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव जो होगा उसका मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा, तथा यह धनात्मक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होगा वो हमेशा धनात्मक माना जाता है। तो फ्रेंड्स यही रहा आज का हमारा ये लेक्चर, और हम कामना करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक अंक लेकर हाई स्कूल में उत्तीर्ण हों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए अब इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।